बच्चों आज हम करेंगे कक्षा नौवीं गणित के अध्याय छः रेखाएं और कोण की प्रमेय 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यह प्रमेय करेंगे जो कि एग्जाम के मान से इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को या परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। तो पहले हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं कि दो रेखाएं, तो एक रेखा ये हो गई है, ठीक है, एक रेखा ये है जिसका भी हम नाम दे देंगे, और दूसरी रेखा हमने मान लिया कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखा हो गई है, ठीक है, ये रेखाखंड हमने बता दिया ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और ये हो गई है यहाँ से हम बता देंगे सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये ओ पे इन्होंने प्रतिच्छेद करा है। तो अब हम इस प्रमेय को करते हैं। दिया है हमें, है ना, क्या दिया है, दिया है दो रेखाएं, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है हमें कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, माना कि ये दो रेखाएं, माना कि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी है, क्योंकि इसको हम करके दिखाएंगे, है ना। तो हमने ये मान लिया कि ये दो रेखाएं कौन सी हो गई, ए बी और सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी है, जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमने बता दिया है कि ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम आगे करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे बच्चों, एक कोण तो ये होगा कोण ए ओ सी, और इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण डी ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ सी और कोण डी ओ बी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और इधर से कौन से होंगे, कोण बी ओ सी और कोण डी ओ ए, ठीक है, कोण डी ओ ए। तो हम यहाँ पर आगे अब लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे, इससे हमें, क्योंकि हमने बता दिया कि दो रेखाएं ए बी और सी डी है जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इससे हमें शीर्षाभिमुख इससे हमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, देखो, कोण ए ओ सी तथा कोण डी ओ बी और कोण डी ओ ए तथा कोण बी ओ सी प्राप्त होते हैं। तो हमें ये दो प्रकार के शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त हो गए हैं, ना, दो कोण प्राप्त हो गए हैं जो शीर्षाभिमुख है, कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी ओ बी और कोण डी ओ ए तथा कोण बी ओ सी, जो कि ये है, हमने देखे कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, और इसी प्रकार कोण ए ओ सी तथा कोण डी ओ बी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, हमें
सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOC बराबर है कोण DOB, है ना। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यही सिद्ध करना हमें। और कोण DOA बराबर है कोण BOC के, तो यह हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। अब हम आगे बताएंगे कि किरण जो है, किरण OB है ना, किरण जो OB है वह रेखा, किरण OB रेखा CD पर खड़ी है, किरण OB रेखा CD पर खड़ी। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये किरण जो है, किरण OB, OB रेखा CD पर खड़ी है। तो किरण OB रेखा CD पर खड़ी है, जिसे हम यहाँ से देखेंगे, ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे तो इस रेखा पर यह किरण OB खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो कोण है, कोण DOB और कोण COB, ये दोनों, इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। हमें तो पता है कि रैखिक युग्म कोण बनता है यहाँ पे, है ना। रैखिक युग्म में एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर जब कोई किरण खड़ी हो तो उसके दोनों ओर के कोण मिलकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये जो सीधी रेखा और सरल कोण बन रहा है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे किरण, किरण OB रेखा CD पर खड़ी है। तो हम बताएंगे कि जो कोण है, कोण DOB धन कोण COB बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कोण मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। और यहाँ हम लिखेंगे क्यों हो रहे हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। और यह क्या होते हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं रेखाएं और कोण की जो महत्वपूर्ण अवधारणा वाला जो वीडियो हमने बनाया था बच्चों, उसमें कोण और उनके प्रकार और कौन से कोण कितने डिग्री के होते हैं, यह सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में, गणित की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो कोण DOB धन कोण COB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। अब हम आगे बताएंगे उसी प्रकार किरण OC रेखा AB पर खड़ी है, किरण जो OC है वो रेखा AB पर खड़ी है, इसलिए कोण COB धन कोण AOC बराबर 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि किरण जो OC है, ये वाली OC है, वह रेखा AB पर खड़ी है ना, रेखा AB पर खड़ी है, इसलिए कोण BOC धन कोण AOC, ये दोनों कोण मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो हमने यहाँ लिख दिया है कोण COB धन AOC बराबर 180 डिग्री के हो गए, 180 डिग्री। और यह भी क्यों होगा, रैखिक युग्म कोण के कारण, रैखिक युग्म कोण के कारण, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसको एक समीकरण एक नंबर दे देंगे और इसको समीकरण दो दे देंगे। अब हम आगे करेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, दोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। इन दोनों का मान 180, इन दोनों का मान 180, तो क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मान तो 180 और इनका भी 180, मतलब ये बराबर ही है। तो हम लिख देते हैं कोण DOB धन कोण COB बराबर है कोण COB धन कोण AOC के, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे भी कोण COB और यहाँ पे भी कोण COB, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब क्या बचा, कोण DOB बराबर है कोण AOC के, ठीक है, कोण DOB बराबर है कोण AOC के। तो यहाँ पे हुआ DOB, देखो बच्चों DOB मतलब ये कोण बराबर हुआ कोण AOC के, मतलब इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। और उसी प्रकार हम इन दोनों कोणों को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार कोण, इसी प्रकार कौन कौन से बच्चों, देखो
एओडी, ठीक है, एओडी बराबर होगा सीओबी के, है ना, ये कोण भी बराबर होंगे, हम इनको भी इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोण ए, इसी प्रकार कोण एओडी बराबर है कोण सीओबी के, क्योंकि इसको भी हम उसी प्रकार से सिद्ध कर देंगे जैसे हमने करा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और यह प्रमेय हमने अब सिद्ध कर दी, यही सिद्ध करना था हमें।